जय गोलजी महाराज, ये मंदिर है श्री बट भैरव जी के अवतार गोलू देवता जी का। ये मंदिर है, ये 12वीं शताब्दी का बताया जाता है। यहाँ पे जो मुख्य दर्शन है गोलू देवता जी के, वो अंदर स्वयंभू दर्शन है, पिंडी दर्शन है। ऊपर घोड़े के ऊपर उनका रूप बना हुआ है और साथ में माँ भगवती विराजमान है यहाँ पे। यहाँ पे यह मंदिर 12वीं शताब्दी का बताया जाता है, राजा चंद्रवंशियों के समय का ये मंदिर बताया जाता है। और इस मंदिर को अभी 900 साल पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे जो मुख्य दर्शन है वो पिंडी दर्शन ही है। यहाँ पे आप जितने भी ये पत्र देख रहे हैं लगे हुए, ये सब लोगों ने अपनी मनोकामना लिखी हुई है। यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं और फिर उसके पश्चात पूरी होती है तो दोबारा आते हैं। जो भी उन्होंने प्रण लिया होता है, जो भी संकल्प लिया होता है, वो कार्य वह करते हैं। यही मुख्य विशेषता है यहाँ की, जो आप इतनी घंटियां देख रहे हैं, यहाँ पे इतने पत्र लगे हुए देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु टमटा है। मैं आलूखेत का रहने वाला हूँ। हमारे पहाड़ी 33 करोड़ देवी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता इन्हीं को माना गया है। यहाँ इंसान को दुख हो, परेशानी, कुछ भी, किसी की तबीयत खराब हो, किसी को भूत पिशाच हवा, तो हमारा जागर के माध्यम से देवी देवताओं को अवतार कराया जाता है। उनकी जागर लगाई जाती है। जागर में एक जगरिया होता है, एक डंगरिया होता है, जिसमें देवता ये गुलजू महाराज अवतार लेते हैं। ना तो 33 करोड़ देवताओं में हमारे उत्तराखंड की संस्कृति हुई है। ना जिसको जैसा दुख है, अच्छा बुरा, हमारे वहाँ यहाँ थाना पुलिस केस इस टाइप में नहीं, हमारे वहाँ अर्जी बाबा के मंदिर में लगती है। ये है विजय साहब, यह है 325 साल पुराना, यानी कि चौथी पीढ़ी में हम चले हैं। चौथी पीढ़ी में ये ढोल भी चला। इसका नाम तो है विजय सार। विजय सार की लकड़ी होती है, इसलिए विजय सार कहते हैं। जैसे खैर हमार विजय सार सबसे शुद्ध लकड़ी है। और इसमें जब 5264 करोड़ देवताओं का, 33 कोटि देवताओं को हम नचाते हैं, तो इसी देवता से विजय सार से नचाते हैं। इनका जन्म हुआ था न्याय करने के लिए। ये एक न्यायकारी राजा है हमारे हमारे पूरे उत्तराखंड के जितने भी देवी देवता हैं, ये उनके क्षेत्र एक हिसाब से राजा जी हैं। जो भी यहाँ पे लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं, पूरी होती है तो दोबारा आते हैं, फिर घंटी चढ़ाते हैं, कोई छत्र चढ़ाता है, जय कोई भंडारे करवाता है। जैसे जो प्रण लेके यहाँ पे से गया होता है, वो कार्य यहाँ पे आके वो करता है। जैसा कि इनका जन्म हुआ था गढ़ चंपावत में, गढ़ चंपावत के राजा के लड़के हुए ये, तो इनकी थी 7 माएँ, इनकी थी 7 माँ, 8वीं ही कलनारी माता। तो उनकी 7 माँओं ने इनके लिए करा बहुत दुख। ना कभी जिस वक्त बच्चा होता है उस वक्त उसकी उनकी माँ में हाथों में जंजीर बांध दी, पैरों में बेड़िया बांध दी, आंख में पट्टी बांध दी। और दो पहाड़ों में 2 मंजिला मकान होता है, ऊपर इंसान रहता है, नीचे जानवर रहते हैं। तो उनने क्या करा, पाल पाल काट के बच्चे को, 4 सींग वाला बकरा होता है, उस 4 सींग लखा बकरे में नीचे गोट के अंदर डाल दिया, तो कि ये बच्चा मर जाए। यहाँ पे उत्तराखंड में हमारे गोलू देवता जी के प्रमुख स्थान 3 हैं। सर्वप्रथम स्थान है चंपावत, और द्वितीय स्थान है घोड़ाखाल, और तृतीय स्थान है चितई गोलचू। इनके जो 3 प्रमुख स्थान बताए जाते हैं वो यहाँ है। देवता आना ये होता है कि गोलू देवता है गोलू देवता है, तो गोलू देवता हर किसी के शरीर में नहीं आता। जो नियम धर्म करता है उन्हीं के शरीर में आता है। जैसे कि हिमांशु टमटा जी हैं हमारे मेरे सामने, तो वो नियम धर्म में रहते हैं,
छुआछू से बचते हैं, बचाना पड़ता है, किसी का हाथ का नहीं खाना पड़ता है, उसी के शरीर में देवता का वास होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ गुरुजी की कृपा बहुत है। यहाँ आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे है मशान देवता का मंदिर। मशान देवता मतलब ये जल में पानी में रहने वाले प्रेत भूत ठहरे, तो इनने सबको दुख परेशान किया ठहरा। तब गुलजू भगवान ने इन देवताओं को साधा, तो 7 दिन 7 रात लड़ाई लड़ी भूत के संग, मशान देवता के संग। तो लास्ट में जब मशान देवता हरमान हो गए, गुलजू भगवान ने उन्हें मानना लगाया, तो उन्होंने कहा कि आज से मैं तुम्हारे संग रहूंगा। जैसे कि गुलजू भगवान फूल प्रसादी से, एक जटा नारियल घंटी से मान जाते हैं, तो इनके मंदिर में खिचड़ी लगती है। तो गुलजू भगवान ने उनको धर्म दिया था कि मशान मैं तुझको आज से खिचड़ी दूंगा। खिचड़ी मतलब चावल और उड़द, तो उसका भोग मशान को दिया गया। नहीं तो वो पहले से इंसानों को भूत पिशाच ठहरे, तो उनको साधने वाले यही देवता हुए। तो जिस वक्त 7 दिन 7 रात उनके संग लड़ाई लड़ी, मशान हार मान हो गया, गुलजी भगवान ने कहा आज से तू किसी को नुकसान नहीं करेगा, आज से तू किसी को नुकसान नहीं करेगा, आज से ना ही तू किसी को परेशान करेगा, ना ही किसी को लगेगा, नहीं किसी लड़की के पीछे जाएगा ना। नहीं तो पहले के टाइम में ऐसा था, सतयुग का जमाना था, जहाँ देवता थे वहाँ शैतान भी थे, भूत पिशाच भी थे। तो उस वक्त से आज तक का वो मशान देवता गुलजू के भगवान के संग में है, और उनके संग में एक कलवा वीर भी होता है, उनके संग में भगवती माता भी होती है, उनकी माता जी, उनकी माँ का नाम काली माता या कलनारी माता भी कह सकते हो। जय माता की। और जैसा कि आने वाली नई पीढ़ियां हैं, ये लोग देश विदेश, अमेरिका, लंदन, जापान, जो भी पहाड़ी बंदा देश परदेश में बसा है, हर साल अपने घर आता है देवी देवताओं को, फिर यहाँ पे मत्था टेकने आते हैं, तो उनकी जय जयकार होती है। तो ये न्याय के देवता हुए। जैसा कि यहाँ सब संसार आप देख रहे हो, ये मान्यता है, वैसी कोई घंटी नहीं चढ़ाता, 10 रुपये कोई फ्री में किसी को नहीं देता है। जिसकी लोगों की इच्छाएं पूरी होती है, मान्यता है, तब जाके यहाँ पे इंसान इनको मानते हैं, पूछते हैं। और आने वाली नई पीढ़ी ये कल्चर इंसान भूल रहे हैं, तो ये जागरूक कराना है। जहाँ भी देश परदेश से इंसान आते हैं, आजकल मैं के बच्चों, नई युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने इष्टों को मानो, ये देवी देवताओं को मानो। विश्वासम फलदायकम, विश्वास करोगे तभी फल भी मिलता है, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। दुनिया में विश्वास है, भगवान है तभी संसार भी है, भगवान है तभी संसार भी है। मानो पत्थर नहीं मानो तो, मानो देवता नहीं मानो पत्थर,